नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पाटन क्षेत्र विधानसभा विधायक पूर्व मंत्री अजय विश्नोई के द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में विधायक विश्नोई ने बताया कि पाटन विधानसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लगभग 5.5 लाख लोगों ने लाभ लिया है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, किसान सम्मान निधि योजना और उज्ज्वला योजना जैसी कई योजनाएं शामिल है। विधायक विश्नोई का कहना है कि इन योजनाओं का लाभ मिलने के बाद लोगों का भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास भी बढ़ा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा आम जनता के लिए इन योजनाओं को शुरू किया गया था, जिसका जमीनी स्तर पर आखिरी पंक्ति में बैठे लोगों को भी लाभ मिला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त किया और दावा किया कि 2024 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश और केंद्र में बनेगी। मोदी जी के 9 साल की सत्ता पूरी हुई और पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है। दोनों का संयुक्त प्रयासों के कारण हमारे पाटन विधानसभा में 5.5 लाख से ज़्यादा हितग्राहियों को विभिन्न विभिन्न प्रकार के लाभ मिले हैं। उसमें प्रधानमंत्री आवास भी है, उसमें स्वामित्व के पट्टे भी हैं, उसमें किसान सम्मान निधि की व्यवस्था है, जिसमें मध्य प्रदेश और सरकार और इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से जो लाभ हमको मिल रहे हैं उसकी गिनती हमने इसमें गिनाई है। इन सब के अलावा आम आदमी को जो संतुष्ट करने लायक योजनाएं हैं, वो संतुष्ट करने वाली योजनाओं के कारण लोगों की स्वीकारता आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ती दिख रही है। नई योजनाएं चाहे लाडली लक्ष्मी हो, चाहे लाडली बहना हो, या प्रधानमंत्री आवास हो, या उज्ज्वला की गैस हो, ये सारे के सारे ऐसे बड़े कारण हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार बढ़त मिलती जा रही है। मैं इस काम के लिए माननीय मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।